हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इन मल्टी कलर बीड्स के साथ एक न्यू बैग। तो उसके लिए हम ये ब्लू कलर के क्रिस्टल बीड्स लेंगे, ये स्काई ब्लू और ये ग्रीन कलर के। आप कोई भी तीन कलर ले सकते हैं, पर मैं ये तीन कलर ले रही हूँ बैग बनाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक ग्रिड फॉलो करेंगे। तो हम एक पेपर पे आप उसको बना सकते हैं बीड्स के अकॉर्डिंग कि कहाँ पर हमें कौन सा कलर का बीड प्लेस करना है। तो इसके लिए मैं कहाँ से फॉलो करूँगी, इन दो लाइट ब्लू और दो डार्क ब्लू बीड्स से अपना डायमंड बनाना शुरू करूँगी और मैं इसे इसी वे में कंटिन्यू करूँगी। और इसमें हम पहले ये अंदर वाले पार्ट्स बना लेंगे और उसके बाद हम इन ब्लू कलर के डार्क ब्लू कलर के बीड्स के साथ इसका फ्रेम ज्वाइन करेंगे। ऐसे हम इसे टाइट करते जाएंगे और ये फ्रेम हम अंदर का रेडी कर लेंगे। अब मेरा ये डिज़ाइन ऐसे रेडी हो गया, मैंने इसे यहाँ नॉट कर दिया है। और सिमिलरली हम अंदर के बाकी कलर, जैसे इसमें मेरा आउटर रिंग ब्लू का है, इसमें ग्रीन का है, तो अब मैं ऐसे ही दो पीस और ग्रीन में जहाँ हमने ब्लू डाला उसकी जगह ग्रीन डाल के इसका एक अपोजिट ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन मैं तीन पीस उसके भी रेडी कर लूँगी। और उसके बाद अब हम इनको जोड़ेंगे। ये लास्ट पीस रेडी हो गया है और इसी तरीके से हमने बाकी 6 पीस भी रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको अल्टरनेट कलर्स में ज्वाइन करेंगे, एक ब्लू एक ग्रीन एक ब्लू, और सिमिलरली इसका अपोजिट ग्रीन ब्लू ग्रीन इन डार्क ब्लू कलर्स के बीड्स के साथ। इनको ज्वाइन करने के लिए मैंने एक बीड के अंदर से वायर निकाल लिया है और पहले हम ये वाला पार्ट ज्वाइन करेंगे और फिर हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे। तो पहले इसमें हम डाला
है हमारी एक साइड कंप्लीट हो गया और इसी तरीके से हम इसके आप फिर से ब्लू वाला भी ज्वाइन कर देंगे और दोनों लाइंस रेडी कर लेंगे। अब हमारे दोनों लाइन इनसाइड से ज्वाइन हो गई है, अब हम इसे सेंटर से ज्वाइन करेंगे इसी तरीके से। अब हमारे इनर सारे पार्ट ज्वाइन हो गए हैं, अब हम इस एक्सेस वायर को कट करेंगे और इसकी तरह एक आउटर लाइन इसके अराउंड भी सारा सेम प्रोसेस से बना देंगे। ये हमारे बैक की एक साइड रेडी हो गई और सिमिलरली हम दूसरी साइड भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसके साइड्स, फ्लैप और इसको हैंग करने के लिए वायर या चेन कैसे ज्वाइन करेंगे।